अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी। हमारा आपका साथ बदल रहता है मंडे टू फ्राइडे सुबह से 11 बजे तक, लेकिन आज कैसे कुछ टेक्निकल इश्यूज की बिना पर हम लेट हो गए हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं? तो आपको पता है खबरों का फ्लो बहुत ज्यादा इस वक्त है, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे इस तरह से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ती ही जा रही हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई कुछ मुल्की सियासत के हवाले से, मुल्की सियासत को छोड़ के जी आलमी सियासत की और आलमी सतह की सियासत की अगर बात करें तो वहां पर भी बड़े दुख भरे अंदाज से कहा जाए अगर तो गलत नहीं होगा कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है एक मरतबा फिर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह के दिल दहला देने वाले मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त शाम के अंदर, वो वक्त है कि इस वक्त अक्वामे मुत्तहिदा को और खासतौर पर बिलखसूस अगर बात कर ली जाए उम्मत मुस्लिमा की, तो इस वक्त उन्हें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आज इसी हवाले से खास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे और इस हवाले से हमारी आज प्रोग्राम में बात भी होगी। बैन अल-अक़वामी उमूर के ऊपर गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में हमारी बात हो चुकी है, तो आज भी हमारी कोशिश ये रहेगी इस अहम मौजू और मसले के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। इसके अलावा आपके मसाइल के हवाले से हमेशा प्रोग्राम में गुफ्तगू रहती है, तो वो सिलसिला भी आज जारी रहेगा और आपके जो लाइव कॉल्स का सिलसिला है वो भी आज इसी तरह जारी रहेगा। जी बिल्कुल जी, और सिलसिला भी जारी रहेगा और आप ये भी बताएं कि वक्त अब बहुत करीब आ गया है कि हमारे प्रोग्राम को भी जी एक साल होने वाला है, और आप लोगों ने जिस तरह से इसको पसंद किया और जिस तरह से आप सबकी पजीराई मिली इस प्रोग्राम के हवाले से, हम इंतहाई आपके मशकूर हैं। और आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम, जैसे हमने डे वन से कहा था जब हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब इसको एक साल भी होने जा रहा है। बिल्कुल जी, इसी हवाले से प्रोग्राम में और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम शामिल करेंगे और बहुत सारे लोगों की राय भी प्रोग्राम को बेहतर बनाने के हवाले से मौसूल हुई है, उसके ऊपर भी जरूर काम करेंगे। कुछ नए सेगमेंट्स के बारे में लोगों ने हमसे ही सवाल किया है कि इसको क्यों नहीं आप शामिल करते, तो वो तमाम चीजें भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। बिल्कुल जी, और यासर जिस तरह से हमने कल भी बात की थी जी कि सेलिटेक्स फॉस्टिना की जो नई कलेक्शन है, लॉन कलेक्शन, वो कल लॉन्च हो गई नेशन वाइड जी, और आज भी उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है जी। सेलिटेक्स है, फॉस्टिना है, और जिस तरह से आप डिजाइन और कलर आप देख लें कि कल डार्क कलर था लेकिन आज लाइट कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, और इसका प्रिंट आप देख सकते हैं फ्लावर्स के साथ और जो कढ़ाई हुई भी है इसके ड्रेस के, इसके दुपट्टे के ऊपर भी। और मैंने कहा था कि अब जिद्दत आती जा रही है ड्रेसेस के अंदर, सीधे सीधे शलवार कमीज लॉन ब्रांड है जी, जो कि लॉन जिनकी प्रीमियम लॉन इस फॉस्टिना कलेक्शन के नाम से आ गई है मार्केट में, कल नेशन वाइड ऑल स्टोर्स पे ये अवेलेबल है, और आप सेलिटेक्स ऑनलाइन पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पे सेलिटेक्स के नाम से इनका अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी है, ऑनलाइन वेबसाइट भी है, और आप जाके किसी भी आउटलेट से सेलिटेक्स की जो है ये परचेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ वॉल्स में मुख्तलिफ मार्केट से आपको सेलिटेक्स की शॉप्स भी नजर आएंगी, जिस तरह से और दीगर ब्रांड्स की आपको नजर आती हैं। तो भाई मुझे तो ये बहुत पसंद आया, जैसे मैंने फैब्रिक के बारे में भी बताया था कि सी थ्रू नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि लॉन के लिए होनी चाहिए कि वो सी थ्रू ना हो, खवातीन को इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये लॉन का जो क्लोथिंग है इसकी वो इसी तरह के तर्ज को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। बिल्कुल जी आपने ठीक कहा, और इस हवाले से जो एड्रेसेस हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इनकी जो वेबसाइट है, इनका जो फेसबुक पेज है, इसके अलावा जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो तमाम स्क्रीन पर आपके सामने, आप जरूर इसको विजिट कीजिए और इस हवाले से आप ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी हम ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान होंगे, बात होगी आलमी सियासत के हवाले से, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो मंजरनामा है, खासकर मुसलमानों की जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग कराची। Again, you're watching program Good Morning Karachi. और ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम के आगाज में बात हुई कुछ हमारी खबर के हवाले से, और खास तौर पे आज बैन अल-अक़वामी जो मंजरनामा है उसके ऊपर प्रोग्राम खास तौर पे गुफ्तगू। बिल्कुल, और ओवरऑल सियासत में क्या हो रहा है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, उसमें भी बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक लाइव कॉलर को शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं निगत बात कर रही हूं कराची से। जी निगत साहिबा, कैसी हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सुनाइए आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है अल्लाह का शुक्र है, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। ये एक साल होने वाला है आपके शो को। जी तो ये अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाबियां दे। आमीन लाही आमीन, आमीन लाही आमीन। और बहुत अच्छा शो करती हैं आप। बहुत शुक्रिया निगर। और ये कि आपने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है आज, बहुत अच्छे डिजाइन है इनके सभी सेट के। जी और ये इनके जो कलर है, इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है। आप गई विजिट करने के लिए सेलिटेक्स? विजिट करा किया आपने? कल इनकी लॉन्च हो गई है ये नई कलेक्शन। जी जी मैं आज, इरादा है, देखते हैं अल्लाह मालिक है। ठीक है, जरूर जाए, जरूर जाए, फिर बताइएगा कल फोन करके कि आपको कैसी लगी वहाँ जाके कलेक्शन और क्या परचेज किया आपने। ठीक है, थैंक यू निकल। हेलो। जी जी कहिए कहिए। आप मुझे शॉर्ट गिफ्ट कर रही है ना? ठीक है, हम आपको गिफ्ट करेंगे लेकिन सेलिटेक्स का नहीं, कोई और गिव अवे हम बिल्कुल देते हैं, लेकिन चले कर दिया, चले ठीक है कर दिया, सेलिटेक्स का ही जो ड्रेस है वो हमने आपको एक गिफ्ट कर दिया। ठीक है निगर, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन द प्रोग्राम। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन कर लिया जी मुनव्वर मिर्जा साहब ने, हम सबके बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं गैर मुल्की सियासत के ऊपर, मुल्की और गैर मुल्की दोनों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सियासत के ऊपर भी और दुनिया में क्या हो रहा है सब, इस हवाले से बड़ी गहरी निगाह है उनकी। थैंक यू सो मच मुनव्वर मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन किया सर। मुनव्वर मिर्जा साहब एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है शाम में, और जंगबंदी की बात हुई लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि फिर भी खिलाफवर्जी भी जारी है और इंतहाई बहुत अफसोसनाक जो इस वक्त कंडीशन है वहाँ की बताई जा रही है शाम की। अब क्या समझते हैं आप इस तनाजुर में मुस्लिम ममालिक की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए? हम तो देख रहे हैं कि खातखा कोई इतने इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहे हमें। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैंने जैसे कि बार बार इस बात के ऊपर वो किया कि मशरिक़ वुस्ता जो है वो एक जहन्नम बना हुआ है, वहाँ पर जिस किस्म का क्राइसिस है और उसका आउटफॉल जो है वो पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया के 57 कंट्रीज के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में रियलाइजेशन नहीं है, निफाक बहुत ज्यादा है, ये जुमले कहते हैं हम जी, लेकिन एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो लोग एक्शन नहीं करते वो रियलाइज नहीं करते, क्योंकि अगर आप ये रियलाइज करते हैं कि निफाक है तो इसका मतलब है आपको रियल इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। जब आप इत्तेहाद नहीं करते तो इसका मतलब ये चलती हुई बात करना, ये तो एक और ज्यादा गुनाह, मैं समझूंगा, मैं गुनाह कहूंगा इसे। मतलब जिसको रियलाइजेशन ना हो और वो करे। अब आप स्पेसिफिकली आ जाइए शाम की सूरत हाल के ऊपर। फरवरी में शाम को 7 साल हो गए हैं इस खाना जंगी को। बिल्कुल, वो एक छोटे से शहर देरा में बच्चों के स्कूल से शुरू होने वाला जो मुजाहरा था, जिसे बशारुल असद साहब ने फौज के जरिए कुचलने की कोशिश की। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमें ये बातें साफ कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए रोते हैं, अगर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हम रोते हैं, हम कश्मीर के मुसलमानों के लिए रोते हैं, हम बॉस्निया के मुसलमानों का गम करते हैं, हम अफगानिस्तान के मुसलमानों का गम करते हैं, तो हम जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान कत्ल किए गए हैं बैरल बमों से, कीमियाई हथियारों से, आपने वो बच्चों की तस्वीरें देखी हैं, क्या वो आप इस टेलीविजन के ऊपर प्ले कर सकती हैं? क्या वो मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या वो जो लोग हलाक हो रहे हैं वो आपकी बहनें नहीं हैं? क्या वो आपके भाई नहीं हैं? ऐसे हम सबके वो हैं, किसी के बेटे हैं। सवाल ये है कि 5 लाख से ऊपर आदमी हलाक, 1,20,00,000 आदमी शाम के अंदर बेघर, 10 लाख से ज्यादा डूब रहा है उधर बहरे रोम में, भागता फिर रहा है दुनिया भर में, भागता फिर रहा है, उसका मुसलमान मुल्कों को कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। और उसके नतायज देखिए, एक तो ये है सूरत हाल, मतलब जो मैंने आपके सामने पेश कर दी, लेकिन इस 7 साल खाना जंगी ने दुनिया के अंदर एक मिनी जंग बर्पा कर दी है मशरिक़े वुस्ता के अंदर। आप देखिए, एक तरफ से ईरान और रशिया, दूसरी तरफ से अमेरिका, सारी यूरोपीय ताकतें, तुर्की, अरब ममालिक, ठीक, इस किस्म का गैर मामूली डिवीजन और सब अपने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड हथियार जो हैं वो वहां पे इस्तेमाल कर रहे, ऐसे ऐसे तजर्बे कर रहे। वो जो आपने जिक्र सुना है ना, हम कहते हैं जी वियतनाम में अमेरिका ने यूं तजर्बे किए,
तो रूस ने तकरीबन अपने तमाम तजर्बे जो है मुसलमानों जिस किस्म का जुल्म उसने साफ बात करनी चाहिए। अगर हम अमेरिका को कंडेम करते हैं तो अगर कोई और आदमी, ये जो 500 से ज्यादा आदमी एक हफ्ते के अंदर कत्ल किए गए हैं, अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर करारदाद पेश की गई, क्या करारदाद थी? ऐसी कौन सी क़यामत वाली करारदाद थी कि रूस उस पर एग्री नहीं कर रहा था? सीज फायर कर लिया जाए, 400,000 में जो गौता जो इलाका है दमिश्क के पास, वहाँ के लोगों को, बच्चों को सिर्फ खाना और पानी पेश कर दिया जाए, नहीं इस करारदाद की वर्डिंग को चेंज करने के अंदर 7 दिन लगाए गए। और धमकी यही है कि जी वीटो, और आपने, और कोई कंडेम करने वाला नहीं है, हैरानगी इस बात में हो रही है जी कि ये 57 बार बार हमें तो उस पे आना चाहिए ना जी, बिल्कुल ये 57 मुमाजिम। अच्छा, मेरे साहब एक चीज का और आपसे जानना चाहेंगे, उसके बारे में भी सवाल करेंगे। एक लाइव कॉलर इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, हर वक्त आपका अलग अलग टॉपिक और बहुत अच्छे टॉपिक, और यहाँ वाकई शाम के मुसलमानों के लिए आपकी आवाज़ है। हम लोग की, हम सब की दुआ है पूरे मुसलमानों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान बाज है, अल्लाह ताला सबको अपने मान दे रहे, सब पे अपना रहमो करम करे। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और मेरी सिल्वर जुबली है 1 मार्च को, तो मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, K21 से मुझे जरूर गिफ्ट चाहिए। ठीक है जी, आपको जरूर देंगे। आपने बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल की, और इसी तरह आप कॉल करते रहिए। मैं सब एक चीज को और अब बात करेंगे। अब बात ये है कि एक बैटल फील्ड पूरी दुनिया के लिए बन गई, अमेरिका की रशिया की कोल्ड वॉर है, उसके भी यहाँ पर हमें जो है वो असरात नजर आते हैं, वो भी इंगेज है, फिर और बहुत सारी दीगर जो ताकतें वो भी यहाँ पर इंगेज है। सवाल ये पैदा होता है, इसका क्या वाकईतन कोई सियासी हल है? और क्योंकि ये एक सियासी नौयत का मामला था जो शुरू हुआ था, और उसके बाद एक इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर दी गया। मुस्लिम ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या इसका वाकईतन कोई सियासी हल नजर आता है जो डायलॉग के जरिए अब इस पॉइंट पर रिजॉल्व हो सकता है? क्या कहेंगे? बिल्कुल इसका सियासी हल मौजूद है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हल इसका मौजूद ना हो, और बिल्कुल पूरा मन हल है। और खुद December 2016 में अक्वामे मुत्तहिदा ने बेहतरीन करारदाद पेश की है, उसके अंदर उन्होंने 4 नुकाम रखे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इसका एनालिसिस कोई भी कर ले दुनिया के अंदर और वो कहेगा कि बेहतरीन करारदाद है। यही ममालिक जो रशिया और जंग किए चले जा रहे हैं जी, और करारदादें भी अमन की पेश करते हैं, उस करारदाद में ये था कि फौरी तौर पर सीज फायर कर दिया जाए, यानी ये जो हलाकतें हैं इसको रोक दिया, ढूंढ दीजिए रोक। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड उसमें जो है उसमें एक अबूरी हुकूमत कायम की जाए अक्वामे मुत्तहिदा की सुपरविजन में, इसमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो और बड़ी ताकतें भी शामिल हो। यकीनी बात है उनकी गारंटी बगैर ये नहीं हो सकता, खामखा अनरियलिस्टिक होना बेवकूफी की बातें हैं ये। तीसरी बात ये थी कि फिर इलेक्शन कराए जाए, वो भी अक्वामे मुत्तहिदा की सुपरविजन में, और चाहे तो मुसलमान मुल्क जो है वो दोनों तरफ के वो शरीक हो सकते। और चौथा ये पॉइंट ये था कि इख्तियार की मुंतकली कर दी जाए। भाई मैं आपका क्या ख्याल है, इसे शाम का रोड मैप कहा जाता है, ऐसा ही एक बेहतरीन रोड मैप है। इसमें ऐसी कौन सी क़यामत है कि ना अरब राजी हो सकते हैं, ना ईरान राजी हो सकता है, मैं सबसे पहले मुसलमान मुल्कों पे जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती है, मुझे ना सऊदी अरेबिया से शिकायत है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम खामखा लोगों के मामला के अंदर टांग अड़ाते हैं, ना हमें ईरान से शिकायत है, हमें एक मुल्क की, मैं तो एक पाकिस्तानी जी, और मैं हर चीज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि दुनिया में हम कैसे रह रहे हैं। अभी ईरान के सदर इंडिया गए, आपने देखा हमने बहुत कम उस पर बात की जी, जी, कोई और आ जाए, अमेरिका आ जाए, फलाना आ जाए, तो हम एक क़यामत मचा देते हैं सऊदी अरेबिया वाले, वहां उन्होंने हैदराबाद दक्कन में वहां पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के में जो कोई कोई जो मुसीबतें आई हुई है वो सिर्फ इस वजह से है निफाक की, बेहतरीन बात। फिर उसके बाद लेकिन आपने देखा उन्होंने जो मुआहदे किए हैं, शाह बिहार को 18 महीनों के लिए उन्होंने ठेके दे दिए, बिल्कुल काफी अर्से से प्लान, हमने गवादर को जब दिया जी तो सारी दुनिया में शोर मचा। अब चार बिहार एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, पैरेलल और बिल्कुल इक्विवेलेंट है
گوادر ایگزیکٹلی جو چائنا کو ہم فوائد پہنچائیں گے گوادر کے ذریعے یا پہنچیں گے اسے, وہی بالکل انڈیا کو پہنچیں گے. ان کا رائٹ ہے, رائٹ ہے, مجھے کوئی دیکھیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں یہ کہوں گا جی یہ کیا ہے اور وہ سازش ہو رہی ہے اور فلانا, میں اس قسم کی باتوں میں بلیو نہیں کرتا. یہ ان کا رائٹ ہے. ایران بڑے سخت اقتصادی دباؤ میں, آپ کو معلوم ہے ان کا ریال راؤنڈ اباؤٹ 50,000 ریال پر ڈالر پہ جا رہے ہیں, بہت بری اکانومی کی حالت ہے ان کے یہاں بھی. جو ہنگامے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے اسی پس منظر میں ہوئے تھے. رائٹ ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو صحیح کریں, جیسے ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو صحیح کریں, جیسے سعودی عربیہ کو رائٹ ہے کہ وہ ایک انقلابی تبدیلیاں لائے, سب کچھ رائٹ ہے نا. لیکن پھر جو آپ لچک, جو سفارت غیر مسلم ممالک کے لیے دکھا رہے ہیں, یعنی سرمایہ کے لیے آپ ویری گڈ, اپنے فائدے کے لیے آپ نے ایگزیکٹلی یہی کام امریکہ کے ساتھ کیا تھا جب نیوکلیئر ڈیل کی تھی آپ نے, لچک دکھائی تھی نا, ساری شرائط ان کی مان لی تھی آپ نے نیوکلیئر. اب وہی میں آپ سے پوچھنا ہوں, میں کہتا ہوں عرب بہت ہی, یعنی آپ ان کو آپ چاہیں تو تھوڑا انڈر ریٹ کر لیں, لیکن آپ آگے بڑھ جائیے, آپ سفارت میں ماہر حسن روحانی صاحب کا میں خود بڑا وہ ہوں, مانتا ہوں ان کی سفارت اور بھارت کو, وزیر خارجہ ان کے ہیں, ایران کے جاوید ظریف بہت قابل آدمی ہیں. دیکھیں نا نیوکلیئر ڈیل کرنا امریکہ سے کوئی کھیل تماشا نہیں تھا, بڑی بات. لیکن کیا یہی سفارت اور یہی سب کچھ آگے بڑھ کر عربوں سے نہیں کی جا سکتی؟ یہ شام کے اندر یہ خون ریزی نہیں روکی جا سکتی؟ یہ روس کو اور امریکہ کو ایک لگام میں کہوں گا نہیں دی جا سکتی کہ وہ باہر سے آ کے ہمارے ملکوں کو مارے اور ہم اس میں فخر کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. اچھا گفتگو کا سلسلہ جاری, مجھے صاحب ایک کالر کو لے لوں. السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ السلام علیکم. جی سہر, کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ہوں جی. کیا کہیں گی؟ ہاں میں دو باتیں کروں گی. آپ سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ, میں آپ کی مستقل کالر ہوں, آپ مجھے سوٹ گفٹ کیجیے فوراً. اور دوسرے میں یہ کہوں گی کہ شام میں جو بات یہ ہے, پہلے ہمارے حکمران جو ہوتے تھے وہ سب چیزوں پہ خیال رکھتے تھے. دیکھیں فلسطین پہ کچھ ہوتا تھا بولتے تھے, کشمیر پہ بولتے تھے, سب بولتے تھے. اب آج کل کے ہمارے سیاستدان اپنے مفادات میں اٹکے ہوئے ہیں. یہ لوگ صرف ملک میں افرا تفری کر رہے ہیں, انہیں نہیں غرض کے ملک میں عوام مر رہے ہیں یا مسلمان شام میں مر رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی دردناک تصویریں, کتنی دردناک باتیں کہ بچے بےچارے ان کو مارا جا رہے ہیں بمباری میں, کشمیر میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو اپنی جنگوں سے اپنی مفادات سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ان کو چاہیے کہ یہ لوگ اپنا ملک کا خیال کریں. بے شک پہلے ملک ہے لیکن ادھر بھی تو دیکھیں نا, سارے مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ سب مل کے شام میں جنگ بندی کی قرارداد کروائیں, بےچارے بچوں پہ بمباری بند کروائیں, مظلوم بستے ہیں, کوئی کچھ نہیں چاہتا, باغی کہہ لیں, گورنمنٹ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, یہ ساری بےچارے مظلوم مرتے ہیں. سہر ہم آپ کو سلیٹیکس کا تو گفٹ نہیں دے رہے, لیکن ہم آپ کو ایک گیو اوے دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ باقی ڈیٹیلز ہمارے پروڈیوسر کو بتا دیجیے. تھینک یو فار کالنگ ان دی پروگرام. اچھا یہ لوگوں کی رائے ہے جو شامل کی جا رہی ہے لوگ, میں یہ کہوں گا آپ کے کالر تھے خواتین شامل ہوئی ہیں, میں انہیں ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کو بھی ساتھ ساتھ, کیا آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے میں کتنا درد ہے. Exactly. یہ مطلب کم از کم یہ اظہار تو کر رہے ہیں, یہ مطلب یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اور ہم لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور ہم لوگوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عوام میں وہ تکلیف وہ درد ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہی بات جو انہوں نے کہی ہے, میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں ان سے کہ وہ جو انہوں نے کہی ہے بہن نے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انٹروورٹ کر لیا ہے, اتنا اندر وہ کر لیا ہے اپنے آپ کو کہ وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ایک ہی بات کو پیچھے چلے جا رہے ہیں, ایک ہی بات بھائی سن لیا تمہاری ساری باتیں سن لی. بالکل, بلکہ میں اس حوالے سے میں کہوں گا جی ابھی ہم اس پر بھی آتے ہیں. منور مرزا صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتی ہوں, چھوٹا سا ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسٹیٹ دیکھتے رہیے. گڈ مارننگ کراچی. Thank you.
سجن ووچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کچھ عالمی زلزلے کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اس وقت جو شام کی صورت حال ہے اس کو ہم پروگرام ڈسکس کر رہے تھے. ایک بہت ہی حساس اور ایک بہت عام موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنے کا اب تک موقع کم مل سکا ہے, اس کو ضرور آپ ڈسکس کریں گے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے. میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ پاکستانی میڈیا بھی اس وقت ایک طرح سے کہا جائے کہ بے حس ہو گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا, لگے پڑے ہیں. جی میں نے ایسے کہا تھا کہ ایک بالی ووڈ کی اداکارہ کی موت ہو گئی ہے, جی وہ کیسے ہو گئی, کیوں ہو گئی, اس پہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. دس ان کا ملک جانے, کم از کم یہ خبر چلی ہے کہ جناب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ڈسچارج کر دی گئی ہے, جو سر تھانہ ہے وہاں سے ان کے ملک پہنچا دی گئی ہے. بہرحال یہ اب ہمارے میاں کو روکا نہیں روکا, انویسٹیگیشن یہ وہ, ارے نن آف اور ہیڈیک یار, ہمارا ہیڈیک نہیں, ہمارا بزنس نہیں ہے. آپ ان کے ملک کی بندی ہے, وہ جانے. ٹھیک ہے, ایک ایک لگاؤ تھا, ایک اداکارہ, ایک اداکار کو آپ دیتے ہیں, سراہتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے, ایک دن کر دیا, ایک بلٹن میں کر دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن اتنی امپورٹنٹ تو ہستی نہیں تھی کہ اب میں کیا بولوں اس کا, مطلب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر مترادف ہو گئی ہے, کس کے مترادف ہو گئی, میں کیا بولوں ابھی. اچھا ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, فرمائیے. بہت شکریہ, بہت اچھے سے آپ لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گی روبینا؟ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی روبینا؟ جی بس یہی کیا کہنا ہے, میڈیا جو ہے بس اسی طرح کے کام کرتے ہیں, ہماری حکومت اصل میں صحیح ہے بس. اچھا یہی کہا جائے گا کہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ روبینا, آپ نے پروگرام میں کال کی. اسی طرح سے پروگرام میں کال کرتے رہیں, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا میں صاحب ایک چیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں اس ساری صورتحال میں جہاں پر ایک ہمارا او آئی سی کیا ہے, ایک الائنس کہہ لیں, ایک آرگنائزیشن کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو نام دے دیجیے, جو کہ انفیکٹو ہے, اور کیونکہ جو چیز افیشینٹ نہیں ہوتی, افیکٹو نہیں ہوتی, اس کے بارے میں ہم زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان ایک رسپانسبل نیشن ہے, اور کچھ ہمارے انٹرنل ایشوز ایسے رہے ہیں, یا تو ہم نے خود اس میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں نہیں سوچ رہے, جو کہ ایک ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان, ایک رسپانسبل نیشن, کیونکہ پاکستان کا ایک ویٹیج ہے, ایک اہمیت ہے. تو پاکستان کی کیا اس وقت رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, یہ اپنا کس طرح رول پلے کر سکتے ہیں اس سارے معاملے کے ریزولوشن کے لیے؟ اس میں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے, لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ مشرق وسطی کے حوالے سے ہماری کیا ویٹیج ہے. پہلے کی بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے, جس وقت پاکستان دو لخت ہوا, دو ٹکڑے ہوا, دو ٹکڑے ہوا, تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے نکل گئے. آپ نے دیکھو کہ جتنے معاہدے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے, اس سے بھٹو صاحب نے اس زمانے میں تھے, خیر آباد کہتے ہیں انہوں نے, اس میں ایک بڑا مشہور سیٹوں کا معاہدہ, ہم نے اپنے آپ کو الائن کر دیا. بلکہ مجھے چوئن لائی جو چائنا کے پرائم منسٹر تھے, بہت ہی مدبر مانے جاتے ہیں, بانیوں میں شمار ہوتے ہیں چائنا کے پولیٹیکل جو انہوں نے دی ہے ڈائریکشن انٹرنیشنل افیئرس کے اندر, نان الائنڈ کانفرنس جسے غیر جانبدار اس کے وہ تھے, بانیوں میں تھے, فاؤنڈر میں سے, انہوں نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب آپ اس طرح اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر ٹھیک. لیکن اور آپ کو پتا ہے تقریباً 50 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے وہ ان ملکوں کے اندر پاکستانی مسلمان جو ہے وہ پھیل ہو گئے, ملازمتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے اوپر وہ سارے اثرات پڑتے ہیں, لنکس بھی ہیں ہمارے. او آئی سی کا جو آپ نے حوالہ دیا, ایک زمانے میں ہم بڑے ایکٹیو ممبر تھے, اور جس زمانے میں ہم ایکٹیو ممبر تھے تو او آئی سی بھی میں نے دیکھا تھا بڑا ایکٹیو تھا. جب سے ہم لوگ مسلمان ملک اپنے اندر کھونا شروع کر دیا ہے, اپنے مسائل کے اندر, اب دیکھیے پاکستانی کو اگر آپ غور کریں, تھوڑا سا ایک پاکستان کی آپ بات کریں گے, اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ آن اور کرنا چاہوں گی صاحب آپ کی اجازت سے. وہ یہ کہ ہم نے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہم مسلمانوں کی ہسٹری میں, ٹھیک ہے, اور بارہ ہم دیتے ہیں اپنے ریلیجن سے بھی ہم دیتے ہیں ایگزامپلس, کیونکہ ہم اس کو نہیں کسی طور سے بلا سکتے, اور جو اٹل چیز ہے وہ ہے. اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم یونائٹیڈ تھے اور ہم اپنے معاملات کو حل کرتے ہوئے جا رہے تھے آگے, تو ہم نے کتنے سارے ممالک فتح کیے اور ایک ایک کر کے پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ عروج آیا. لیکن ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں, جیسے پاکستان کی ہم انٹرنل پالیٹکس کی بات کر لیں یا مختلف اور ممالک کی بات کر لیں, جو مسلم ممالک ہیں ان کی انٹرنل پالیٹکس اتنی زیادہ الجھ کے رہ گئی ہے کہ وہ پھر آگے کیسے بڑھیں گے یا آگے اپنے آپ کو کیسے لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے,
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें जो बात है आपने जो कही है वो ये है कि एक्चुअली शायद मुसलमानों के जो दो रोल होते हैं, एक तो हमारे सियासतदान हैं। अगर हम ये मान लेते हैं, अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो उसको देखकर कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती और हमें अपने आप को कोई तहसीन नहीं पेश करना चाहिए और मुबारकबाद पेश नहीं करनी चाहिए कि हमने इतने अरसे बाद 70 साल बाद या 60 साल बाद तो जमहूरियत का तजर्बा किया जी। लेकिन जिस किस्म का तजर्बा हम कर रहे हैं इससे तो सारे लोग एक अजीब मुसीबत में मुब्तला हो गए, खासतौर पर गुज़िश्ता 1.5 साल से जिस किस्म का, अगर आप ये कहिए कि तजर्बा दर तजर्बा कर रहे हैं जी, जी, जी। तो फिर हमें ये पता चलना चाहिए, फिर हमें इसका ये भी सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। देखिए आप देखिए रोज रात दिन तो हम एक अजीब सी बात कहते रहते हैं कि अच्छा तजर्बा हमने किया है, कि हर वक्त हम ये कहते रहते हैं कि हमारे इदारे टकरा रहे हैं, सही है ना, हर जगह हर वक्त हमारे को एक ये गम खा, सियासतदान है वो अपनी बात कर यही बातें कह रहे होते हैं, पार्टियां यही बातें कह रही होती है, इवन अब हमारे इदारे हमारे आला अदलिया तक वो तक ये कहती है कि मतलब उन्हें बहुत सारी बातें और कमाइयां पेश करनी पड़ी जो कि बड़ी अजीब सी गैर क्लेरिफिकेशन के मामला। अच्छा जवाबन सियासी जमातें जो हैं वो भी डटी, अच्छा उनके पीछे लोग खड़े, और ये आपने देखा 2007-08 से ये सिलसिला चला है कि जनाब हम इस किस्म की हरकतें किए चले जा रहे हैं और किए चले जा रहे हैं। अब यकीनी बात है जो कौम इतनी बुरी तरह से उलझ जाए, अभी आपने देखा होगा FATF का मामला आया, थोड़ी सी बात उसके हवाले से पता चल जाएगा कि एक मुसलमान रोल मॉडल है ना, हम अपने मुल्क को देखें तो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों को देखें जाके। FATF में 2 हफ्ते पहले तक तो आपको शायद ही पाकिस्तान में किसी को पता हो कि FATF नाम की कोई, 3 साल जो मुल्क FATF के ऊपर रहा हो 2012 से लेकर 2015 तक, आप कमाल देखें तमाम इक्तेसादी सैंक्शंस और तमाम चीजें हमारे पे लगी थी, बिल्कुल सही ठीक है, तब हमें नहीं आता, आगे जिक्र भी नहीं किया, भी नहीं आज तक कभी जिक्र भी नहीं किया। जो लोग तंकीद करते हैं, जो पार्टियां इस वक्त इन पे तंकीद कर रही हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जब तुम्हारे जमाने में 2012 में लगा था तो क्या तुमने कौम को बताना पसंद किया था ये बात? आप जो चैंपियन फॉरेन मिनिस्टर्स और ये बने हुए हैं, क्या इन्होंने ये बताना भी पसंद किया आपको? कम से कम इन्होंने बता तो दिया है कि FATF है, उन्होंने बताना पसंद नहीं, किसी को पता ही अच्छे अच्छे दानिशवरों को ये नहीं पता था, यहाँ पर बड़े सियासतदान बड़े जो फॉरेन अफेयर्स के जो मास्टर्स बने हुए हैं बड़े बड़ी वो कर रहे हैं उनको पता नहीं था। मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा कि भाई अब मैं FATF के ऊपर है हमारे ऊपर इक्तेसादी सैंक्शन और उसी इसीलिए हम उठ नहीं पा रहे, आपके ऊपर कुछ सैंक्शंस भी है, कुछ आपके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी जो लोगों को नहीं पता था, हो रही है देखिए। अच्छा अब आपने देखा कि इस इंटरनल डिवीजन का नतीजा क्या निकल रहा है हमारे यहाँ, जो ये जो अफरा तफरी हमने देखिए हम दूसरे लोगों में, उनका ये हो रहा है उनके अमेरिका में ये हो रहा है, तबाही हो रही है बर्तानिया में, वो हो रहा है फ्रांस में, ये हो रहा है सारी दुनिया का के ऊपर, ऐसे हम बैठ के तंकीद करते हैं जैसे कि हमारा कोई मौजूद फलानी जगह फलाना आदमी सिलेक्ट हो गया है तो बहुत उन्होंने गलत काम किया है, हमने बड़े अच्छे काम किए, बड़े अच्छे आदमियों को सिलेक्ट किया, बड़ी अच्छी पार्टियां हमारे यहाँ हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं, जो कि रात दिन मजीद हमारे को रोज शाम को जब उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होता है रात के 10 बजे तक मीडिया के ऊपर, तो हर आदमी बेचारा उसको समझ नहीं आता, एक कुछ कह रहा होता है एक दूसरा कुछ कह रहा होता है। अब इसी FATF के हवाले से आप ये देखिए कि फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं होती, बात तो इसी आलमी हुई, वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्शन देती है। अच्छा ये कोई ऐसी कोई मैं फलसफियाना बात नहीं कर रहा, कोई इंकशाफ नहीं कर रहा, आपको खूब अच्छी तरह पढ़े लिखे माशाल्लाह बहुत ही आप लोग दोनों वो है, तो अब आप यहाँ तो इतनी कमजोरी है, एक नाहल हो रहा है दूसरा जा रहा है, जो आ रहा है वजीर आजम उसको कठपुतली कहा जा रहा है, क्या क्या खिताब आप नवा, अच्छा फिर उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वहां जाके दबंग तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, जिसे अपने मुल्क के अंदर तो मजाक और कार्टून और कठपुतली और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, तो उसको कोई दूसरा आदमी वजन देने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। और बात आप मुझे बताइए कि जो कुछ आपके मीडिया पे आ रहा है, एक तो जुर्म के लिहाज से आपने देखा एक महीने पहले तक सारी हेडलाइनें ऐसी थी कि अगर आप उन्हें देखते तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में सिवाय जराइम के और वो भी बदतरीन अखलाकी जराइम का एक नहायत ही तकलीफ दे। अच्छा मिस अभी हैरानकुन बात है जिसका भी आपने तस्करा किया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, एक लाइव कॉलर काफी देर से हमारे साथ है उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी फरमाइए, क्या कहेंगे? जी
आपका शो गुड मॉर्निंग करना थी, बहुत जबरदस्त है कॉल करने की, आपसे जिनसे बात कर कोशिश कर रही थी कि मेरी आपसे बात हो जाए। आपका शो जबरदस्त टॉपिक आप लोग लेकर आते हैं, आपके शो के लिए आज मेरे साथ कुछ लाइन्स लोगों में शेयर करना चाहिए। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आपके शो के हिसाब से खास तौर पर गुड मॉर्निंग कराची में कुछ खास दिया है शो की बाहर मेहमानों के लिए, क्या बात टॉपिक है लाजवाब, सैनिटाइज के गाउन है बेमिसाल, ड्रिंक की भी क्या बात, डिजाइन है उसके लाजवाब। आज का शो है काफिल खास, इसलिए हम जो जाने देखते हैं शो गुड मॉर्निंग कराची अपने होस्ट और मेहमानों के साथ। मौजू के हवाले से आज बात हो रही है, इसको भी सराहे जाने की जरूरत है और आपकी तरफ से जो अप्रिसिएशन है हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा यासर, अभी जिस तरह से मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने ये बात की, यही वो बात है दो दिन से हम कर रहे थे प्रोग्राम में, ये मैंने यही कहा था, यही बात मैंने ये कहा की अगर आप अपने मुल्क में गालियाँ देते रहेंगे अपने सर, ये बात एक बड़ी आपने जिसकी निशानदेही अभी की है, ये भी बड़ी एक अजीब और हैरान कन बात है। अच्छा एक और लाइव कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं कवल बात सर। एक चीज जिसका भी आप तस्करा कर रहे थे वो ये कि बहुत सारे हमारे पास खबरों में जिस तरह की अभी गुज़िश्ता माह खबरें रही हैं उसमें सारी खबरें जो थी वो टॉप से बॉटम तक उस सारी जराइम के हवाले से, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अखलाकी बदतरीन जराइम के हवाले से खबरें रही हैं, ये हमारी तरजीहात क्या हो गई है जरा ये भी बताइएगा। और ये भी साथ फरमा दीजिए क्योंकि आपका तो खबरों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इतने बड़े इदारे के आप सफर रहते हैं, आपका मामला देखो रोटी रोटी और ओढ़ना बिछोना भी यही था। अच्छा जरा ये बताइएगा कि हम ये पूरी दुनिया में ऐसे मामला चल रहे हैं, सिर्फ हमारे पास ऐसे मामला चल रहे हैं जिसमें हम जराइम को हाईलाइट कर रहे हैं। जी एक चीज ये भी कि देखिए ये तो पिछले महीने की एक महीने की या दो महीने की बात हो रही है, लेकिन पिछले दो तीन सालों से जो भी हम देख रहे हैं नॉन स्टॉप एक जंग चल रही है मीडिया हाउसेस पे कि जब वजीर आजम को भी अगर डिस्क्वालीफाई किया तो वो अदालत ने किया, लेकिन क्या इस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? जिस तरह से मीडिया हाउस चला रहे नाहिल वजीर बच्चों से और उनसे मेरा इंटरेक्शन भी होता है तो शऊर भी रखते हैं और दर्द भी रखते हैं। एक तो शऊर रखना होता है, एक दर्द रखना, आपको तकलीफ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बिल्कुल जायज बात है, आपको ये हक पहुंचता है। दुख का मुकाम ये है, मुझे कह लें जी जी जरूर कहिए, मीडिया में सूरत हाल ये हो गई है कि खुद ही लोग ये बातें करते रहेंगे अगर उन्होंने ये तरजीह मुकर की हुई है कि जराइम जैसे आपने जिक्र किया, दुनिया में जराइम तो होते हैं लेकिन ये थोड़ी कि 40-50 मिनट के खबरनामे में पूरा 50 मिनट जुर्म के ऊपर जाए और लगे ऐसा कि सारी कौम सिवाए जुर्म करने के जराइम के सिद्ध में दिलचस्पी लेने के अलावा और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और कोई उनका काम ही नहीं है, काम ही नहीं है ना। तो ये ऐसा कहीं नहीं होता, एक बैलेंस्ड होता है, खबरों में बैलेंस होता है। दूसरे एक मुश्किल ये हो गई है कि वो लोग जो कि खुद ये बातें कहते हैं अगर आप उन पे तंकीद करें तो वो खुद ही मुनसिब भी बन गए जाते हैं। चार पांच माफ करना जी, तो मुझे मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, अच्छे काम भी उन्होंने बहुत किए हैं, अच्छी उन्होंने मीडिया के अंदर वो किया है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, खुद ही बैठ जाते हैं, खुद ही यानी अपने पहले तो उन्हीं में से किसी का जुर्म होता है। अभी देखिए एक साहब का ये था कि जो बहुत मशहूर माने जाते थे कि जी वो बड़े स्कॉलरली किस्म के एंकर हैं, उनके मुतालिक जो बातें आई फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें ये कह दिया, मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा कि अगर आप ये बात साबित ना कर सके जी तो फिर मैं आपको सजा दूंगा। बिल्कुल वो मेरे मोहतरम में है, दोस्त नहीं है मेरे, लेकिन उनके मुतालिक 19 फरवरी को जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है और इत्तला दी है इसी केस के हवाले से कि अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिए, जिसके बाद अब ये है कि उनको फिर टेक्निकली सजा हो सकती है इस मामले में। लेकिन वही चार पांच आदमी मैंने देखा है वो बैठ जाते हैं, खुद ही अपना मुकदमा पेश करते हैं
और फिर खुद ही फैसला भी सुना देते हैं, फैसला भी सुना देते हैं। तो यूं लगता ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज जामिया जिसके अंदर जर्नलिज्म और मैथ मीडिया के इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट काबिल लोग, उसके अलावा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रखते हैं फील्ड के अंदर, उनमें से किसी को बुलाकर ये नहीं पूछा जाता जो कि गैर जानबदार व्यूअर, वो लोग नहीं जो कि सिर्फ एक खास उस एक एनक से कि भाई ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस आप कैसे देखते हैं, आपके स्टूडेंट्स कैसे देखते हैं, आप इसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या तमाशा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था ये इस तरह करेक्ट हो सकता है, ठीक है, बजाय आप खुद ही बैठकर फैसला करें ना जी। पांच आज अब आपने देखा ना फैसला ये कर लिया है कि मैं ही टॉप मोस्ट एंकर या जो भी कुछ हूँ, जो भी आप ही उसके भी मालिक है, और फिर फैसला भी मैंने ही सुनाना है कि ये गलत है या सही है, तो मैं अपनी बात के ऊपर खुद ही फैसला सुना रहा हूँ। तो मैंने माफ कीजिएगा अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना वो हो कि अपनी बात कहकर तो खुद ही। अच्छा एक और मसला जी, हम तरबियत नहीं करें, जैसे आप करते हैं ना मुझे पूछ के आप छोड़ देते हैं कि मैं अपना जवाब दूं, ठीक है ना, फिर कोई दूसरा आएगा तो आप कल उससे पूछेंगे। तो ये वे है डाइवर्सिफाइड ओपिनियन। देखिए जो हमारे यहाँ पेवरा ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए बड़े अच्छे थे, आप पढ़ के देख लें, ऐसे खाम खा का तनकीद किए चला जाना हर उन लोगों ने जिन्होंने वो पढ़ा भी नहीं हो, वो तनकीद किए चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओपिनियंस का मतलब था ये मीडिया को लाने का। बिल्कुल ऐसे। अब आप देखिए कि अगर हमारे यहाँ तालीम और तबलीग में फर्क, हम क्या कर रहे हैं कि तालीम नहीं दे रहे इसके थ्रू, एजुकेट नहीं कर रहे लोगों को, जो कि सोच अपनी मुसल्लत पहला मकसद है कैमरा ने जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो डाइवर्सिफिकेशन। आप एक हर आदमी जो है जो बैठा है वो एक खास नजरिया लेके आया है और उसकी तबलीग करता है वो, ठीक है। मैं सब इस मौजू के ऊपर अभी और गुफ्तगू जारी रखेंगे, मेरा भी सवाल का जवाब लेना है, एक लाइव कॉलर को शामिल कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? जी वालेकुम सलाम, मैं करवाती हूं जमीला बात कर रही हूं। जी जमीला, आपके जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं जमीला? बस अल्लाह का शुक्र, आपके शो पे सियासी मसाइल का बहुत अच्छा ये है आप लाते हैं, मसाइल पे डिस्कस होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जो आज का है वो भी बिल्कुल ये है कि पार्टी लीडर एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करते हैं, सब इनकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर पार्टी चेंज कर उनके साथ ही मिल जाते हैं, ये बहुत ये है उनका। तो ये सियासत को सियासत में यानी कि इन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, अपने दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है, हम अपने लोगों की अब अपने सियासत उनको कहते हैं, बुरी बात करते हैं, गलत बातें करते हैं और फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच जमीला, प्रोग्राम का वक्त चुके इस वक्त कम है और हमें ब्रेक पे जाना है जरूरी, इसलिए आपकी कॉल काटनी पड़ी कल इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच आपने प्रोग्राम में कॉल की। अब यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आप सारे स्टे ट्यून्ड देखते रहिए गुड मॉर्निंग करा से। वेलकम बैक जी, मुताबिक गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी अभी एक लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही, कहां से? मैं सदा बात कर रही हूं कराची से, आप लोग कैसे हैं? कैसी हैं आप? हम ठीक ठाक, आप बताइए। बिल्कुल खैरियत से हूं, मैं आपका टॉपिक सुन रही थी तो मुझे काफी इंटरनेट से बात भी करना चाह रही थी जैसे, तो मैं आज को ना नज़्म की सूरत में आपके टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल कीजिए। मसाइल का हल नहीं है, ये जो जंग हो रही है, खून बहाया जा रहा है, कि मसाइल का हल नहीं है। तो मेरी नज़म तो किस तरह से है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, गम घरों पर गिरे या सरहदों पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जने या औरों के बीच फाफड़ों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे तो धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जिन क्या मसलों का दहल देगी, तुम तो खुद ही एक मसला है, आग और तुम आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज चल देगी, इसलिए ए अजीम इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है, आपके और हम सबके आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है, अम की और मोहब्बत की।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया सदम, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इसी तरह से करती रहे, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब मिर्जा साहब वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप कह रहे थे कि खुद ही जो है वो इंसाफ दे देते खुद, हाँ मुनसिफ है खुद ही मुद्दई है, इसको ही कंटिन्यू करें। अब वो नतीजा ये निकला है कि प्रोग्राम में भी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, फैसले भी अपने मुताबिक खुद ही वो कर देते हैं, सुना भी देते हैं। बिल्कुल, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ये दावा करूं कि हालांकि मेरा भी अल्लाह का शुक्र है और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तालिबे मैं अपने आप को कहता हूं, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, तमाशे को ही कह रहा हूं, मीडिया के तमाशे को भी देख रहा हूं, सियासत के तमाशे को भी देख रहा हूं, मुसलसल जारी है। तो उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको मौका नहीं मिल रहा कि वो ये बता सकें कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर एक दफा मीडिया, सियासत और दानिश का डायरेक्शन हम करेक्ट कर लें, ये छोटी छोटी जो दुकानें या एक खास तबलीग के नजरियात जो कि हम एक देख रहे हैं, इसको अगर किसी तरीके से हम रोक लें मीडिया के अंदर, मीडिया का बड़ा पावर है, वही अपने अच्छा। अब वो फिर आपको नाराजगी होती है सोशल मीडिया से कि जी उसके ऊपर आप ही तो वो बातें लोगों को बढ़ा रहे हैं और फिर वो वही चीजें वापस आ रही हैं आपके ऊपर, तो फिर आपको तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप दुनिया भर को देखें तो तरीका ये है कि वो ओपन करके रख देते हैं माहिरीन के सामने जी। और उनको मौका देते हैं कि वो एक अच्छी बात कह सके डिबेट हो उसके ऊपर। अब अगर आप इस सारे तनाजुर के अंदर देखें तो फिर इंटरनली हम किस तरह डेवलप हो रहे हैं। यही है ना, हम अपना बस नैरेटिव इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम ये मौका नहीं दे रहे हैं कि कोई सामने वाला भी उस पर डिबेट करे, आर्गुमेंट करे और फिर उसके बाद उसका कोई एक जामे जो है वो फैसला आए या उसका रिजल्ट निकले, यही तो सारा मसला। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यही मुंशिफ बने हुए हैं, अपना पॉइंट भी सामने रखते हैं और आपकी बात सुनने के बाद प्रोग्राम के अख्तिताम पे अपना ही पॉइंट सामने रख देते हैं कि यही फैसला है उसका और यही बहस है, नतीजा भी यही है जी। गुफ्तगू को जारी रखते हैं, लाइव कॉलर क्योंकि बहुत सारे हैं उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम यासिर, और मेरा कैसे यहाँ बात? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, क्योंकि और दूसरा एक चीज को मैं और आपकी जो मैं इंडोर्स करता हूँ कि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक ऑब्जर्वर जो है ना उसको अच्छा होना चाहिए, आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और यही आप समझ लें कि हमारी पूरी कौम को सारे लोगों को सोचना होगा और इसी तरह चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। अच्छा एक चीज मैं और मिर्जा साहब आपसे पूछूंगा, यहिया ने एक ऐसी बात कही है जो हम अक्सर बैठ के करते हैं कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो माहिर है बैनुल अक्वामी उमूर का वो बैठ के मईशत के ऊपर बात कर रहा है, जो मईशत दान है वो बैठ के जी दफाई तजियाकार बना हुआ है। और एक हैरान कुन बात ये है, एक बड़ी गैर मामूली बात ये है कि आप देखें ये तजियाकार दुनिया के हर मौसम पे बात कर सकते हैं और कर रहे हैं, ये कैसे होंगे? कहूंगा कि सब्जियों से लेकर जी और अगर पानी तक के मसाइल हैं और जंगों के मसाइल से लेकर हर चीज के ऊपर माहिर बने, माहिर हैं। एक तो मैं ये माहिर है, सब ज्यादातर अल्लाह का शुक्र है कि हमें खुश होना चाहिए, माहिरीन की एक पूरी फौज हमने डिवीजन तैयार कर ली है जो कि हर मौजू के ऊपर बात कर सकता है, हरफन मौला, हरफन मौला उनका एहतराम अपनी जगह है, उनको हम क्रेडिट देते हैं कि वो
لوگوں سے وہ یہ سنا تھا کہ جو چیز آپ کو آتی ہے جس کے آپ طالب علم ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں اسی پہ بولنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے دیکھا جو ہمارے کالج باشعور سب باشعور ہیں اور لوگ آبزرو کرتے چیزوں کا, اور ہم موقع بھی دیتے انہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. یہی ہونا چاہیے, یہی چیزیں جو کہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. اگر آپ غور کریں تو ایک جمہوریت میں یہی منصف, بالکل یہ ہے منصف بیٹھے ہوئے جو کہ ابھی یحییٰ صاحب ہیں نا, یہ ہمارے منصف ہیں, سیاستدانوں کے منصف ہیں, ہمارے نظام کے منصف ہیں. جو کچھ ہم ڈلیور کر رہے ہیں وہ پورا عالم اسلام کا. میں آپ دیکھیے, اب آپ اوور آل آپ یہ دیکھیے کہ میں اب ہم اگر وہی لے جائیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ایف اے ٹی ٹی ایف میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, ایک وہ شور مچا, اس کے بعد لگا کہ ہمارے فارن منسٹر نے کہہ دیا کہ جی ہم تو جیت گئے ہیں, پھر الٹیمیٹلی پتا چلا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوا, ہم واچ لسٹ پہ بھی ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. صرف 3 مہینے کے ہمارے, پھر اس کے فوراً بعد امریکہ کی وہ آ گئی, انہوں نے مزید وضاحتیں کر دی, اسے یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور بہت ہے. اچھا اب ایک اور طریقہ کار ہم نے نکال لیا, بجائے اس کے کہ جب ہمارے اوپر اس قسم کے کوئی, چاہے وہ سیریا کا مسئلہ ہو چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہو. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا, آپ نے مجھ سے پوچھا یہ تھا کہ یہ تو اپنی جگہ سب صحیح ہے, لیکن سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے. اس طرح یعنی جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل چیز ہے تو اس کا ہم حل کیا نکالیں گے. ہم نے ایک سارے, آپ نے دیکھا ہوگا, پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے میڈیا, اور اس کو میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ یہ کہیں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ بھارت کی سازش ہے, یہ اسرائیل کی سازش ہے, تو اس سے ان کی حب الوطنی جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ وہ ڈگری میں تبدیل ہو جائے گا, وہ ڈگری جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں تبدیل ہو جائے گا, اور لوگ کہنے لگیں گے کہ کیا زبردست قسم کے پاکستانی ہیں. یہ غلط رویہ ہے. کم از کم 2018 میں جہاں سائنس اور دنیا کہاں جا رہی ہے, ہمیں ایک بات پہ غور کرنا چاہیے کہ تجزیے کا میڈیا میں یا کہیں بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز اس طرح ہے, آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا اس کا ویریس جو آلٹرنیٹیو ہیں وہ کیا نکالنے چاہیے, جو مسلم دنیا نہیں کر پا رہی ہے. اب آ جائیے اس بات پہ, سیریا میں کیوں ہم صرف یعنی ایک طرح سے ماتم کر رہے ہیں, غمزدہ ہیں, لیکن ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکال. 7 سال بعد مسلمان جو ہیں یا دنیا بھی کوئی, دنیا تو دیکھیں میں آپ کو صاف بات بتاؤں, رشیا کا قطن انٹرسٹ نہیں ہے کہ سیریا کا مسئلہ حل ہو, اس لیے کہ وہ تو یہ مسل دکھا رہا ہے اس وقت امریکہ کو. 2015 میں جب اس نے انٹری دی تھی تو وہ پہلے کریمیا پہ اس نے قبضہ کیا تھا, پیوٹن صاحب یہ دکھا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے 18 مارچ کو رشیا کے اندر الیکشن ہیں اور وہ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں, ان کا امیج بھی یہ ہے کہ وہ ایک آئرن مین ہے, اور انہوں نے سارے امریکن صدور اور ویسٹرن کنٹریز کے جتنے لوگ ہیں ان کو بالکل اپنے آگے وہ بنا دیا ہے, بونا بنا دیا ہے. اور وہ ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ حالانکہ ایک طرف ہم جمہوریت کو بہت وہ کرتے ہیں لیکن آئرن مینوں کی خواہش ہمارے دل کے اندر تڑپتی رہتی ہے. انہوں نے تو اپنا یہ کام کر لیا, لیکن اس کام کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے کہ مسلمانوں کا جس طرح انہوں نے قتل عام کیا ہے بے محابہ, اور اس کے اوپر ہم تالیاں بھی بجائے چلے جا رہے ہیں. اچھا امریکہ کا بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ نے دیکھا اوباما صاحب نے سیریا کے معاملے کے اندر فوراً قدم پیچھے ہٹا لیے اور کوئی بڑا کام نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو دلچسپی کس کو ہونا چاہیے تھا؟ ایک تو خود مسلمانوں کو دلچسپی ہونی چاہیے تھی کہ وجہ میں آپ کو بتا دوں, سیریا کے مسلمان تو بالکل بے بس ہیں, بالکل جو تصاویر آ رہی ہیں جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں, روز کی بنیاد کے اوپر آ رہی ہیں. جب یہ حالت ہو کہ اقوام متحدہ نے سیز فائر کی قرارداد کر دی ہو, ساری دنیا نے مان لیا ہو, خود فرانس کے صدر نے یہ کہا کہ اگر یہ قرارداد منظور نہیں ہوئی سیز فائر کی اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو یہ اقوام متحدہ کو ہی لے بیٹھے گی, اس قدر زبردست انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور مہمان جو ہے وہ قابل آدمی ہے اور ڈائنامک آدمی ہے, نوجوان آدمی ہے, تو انقلابی سوچ کے آدمی ہے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا,
इसका मतलब ये है कि देखिए फोर्स कहाँ से आना चाहिए था, वो आना चाहिए था हमारी तरफ, यहाँ से मुसलमानों की तरफ से आना चाहिए था। और वो फोर्स के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप सड़कों में निकल आए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतजाज करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोज प्रोग्राम करें, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि रोज हेडलाइन करें उससे, लेकिन कम से कम उतना वेटेज तो दें कि दुनिया ये रियलाइज करे। आप कहते हैं ना कि दुनिया रियलाइज नहीं करती, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो भाई जैसे इन्होंने कहा था कि गुज़िश्ता सदियों से मुसलमान इस मुसीबत के अंदर मुब्तला है, तो भाई अब एक ये टेस्ट केस आपके सामने आया है, कम अज कम इसके अंदर तो एक स्टैंड ले लें कि दुनिया को आप इस बात को रियलाइज करवा दें। आपने करते हैं ना, वी आर यूनाइटेड, अगर कोई मसला हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा तो वी आर यूनाइटेड। यस, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, जो आप कतलेआम कर रहे हैं। ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है अमेरिका का, रशिया का और दीगर ममालिक का, खासतौर पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट के अंदर इतना बढ़ चुका है कि हम कोई चीज आप उनसे इम्प्लीमेंट करवा नहीं सकते। फिर आपको उनके मिजाज को भी समझना है कि जो अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनका एक मिजाज है, उनकी हिस्ट्री रही है, क्योंकि बादशाही सिलसिला वहां पर है, मोनार्क्स हैं, उनको कन्विंस करना किसी बात के ऊपर, कोई एजेंडा उनको समझा देना या उनको लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखा देना, एक बहुत मुश्किल काम है, जो कि हमारे लिए जब से दुनिया बनी एक चैलेंज रहा है। ये किस तरह मुमकिन होगा कि उनको ये समझाया जाए कि लॉन्गर रन के अंदर अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो इसमें नुकसान अल्टीमेटली आपका है। अच्छा, ये कैसे एडिंग ऑन एडिंग और चीज मगर मिर्ज़ा साहब, अब ये बताया देखिए बैतुल मक़द्दस वाला मामला हुआ, ठीक है, उस पे भी हम नहीं कुछ कर सके, फेलियर है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। शाम वाला मसला चल रहा है, 7 साल हो गए हम कुछ नहीं कर पा रहे, फेलियर है। कश्मीर का मामला एज इट इज है, हम कुछ नहीं कर पाए, फेलियर है। हम देख रहे हैं के बाद एक इराक का मसला हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए, फेलियर है मुसलमानों का। लेकिन ये अभी भी क्यों नहीं समझ में आ रहा कि यही तोपे, यही बंदूकें जो दूसरी तरफ उठी हुई है, ये हम पर भी आ सकती है खुदा ना खास्ता। सो व्हाई वी आर नॉट यूनाइटिंग राइट नाउ? मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये फेलियर मैं समझता हूँ कि सियासत करनी है। आपने बिल्कुल सही ये तो पॉइंट आउट किया, मोनार्क्स हैं, लेकिन मोनार्क्स तो पहले भी थे जी। उन्हीं मोनार्क्स को तो आप अपनी हिस्ट्री कहते हैं कि जो कि फुतुहात की एक अलाउद्दीन अयूबी भी एक मोनार्क थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम मोनार्क नहीं थे, एक जनरल तो थे, फाते थे, इसी तरह मोहम्मद गौरी भी आए थे, बाबर भी आए थे, उनकी तो आप फखर से बयान करते हैं, उनकी दास्तान बयान करते हैं। लेकिन फेलियर जो है वो हमारी दानिश का मुझे ज्यादा नजर आता है। एक्चुअली हमारी दानिश जो है वो ये रियलाइज नहीं कर पा रही कि दुनिया बदल चुकी है और मुसलमानों को एडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल इसी हिसाब। देखिए बात असल में ये है, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ नेशनल स्टेट्स। अगर आपने कोई मुआहदे या कोई हम आहंगी पैदा करनी है, कोई यूनाइटेड बनना है, यूनाइटेड नेशंस टाइप की चीज बनना है, तो उसका जो रोल मॉडल अब आपके सामने पेश किया गया है वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, वो उसके अंदर भी दरारें पड़ रही हैं, बट दैट इज द लेटेस्ट मॉडल। तो मुसलमानों को कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि समहाउ और ज्यादा इसी किस्म की कोई चीज जो है वो अपने लिए लेकर, जिसके अंदर दो चीजों का इंतजार शामिल होना चाहिए, सियासी मुनासिब चेंजेस ताकि अवाम की राय जो है वो ज्यादा अकोमोडेट हो सके। गड़बड़ ये हो रही है कि अवाम की राय कम अकोमोडेट हो रही है, जबकि हुक्म ये है, खुद हमारे जो मजहब का हुक्म ये है कि मुसलमानों का जो निजाम है वो उनकी मशावरत से चलाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये है बॉटम लाइन जिसका भी आपने एग्जैक्टली। अच्छा, इसको कंटिन्यू करें, अभी हमारा मौजू देखते हुए, प्रोग्राम को देखते हुए हमें ज्वाइन किया नासिर साहब ने, जो कि एक निजी चैनल पर एंकर पर्सन भी है और तर्जेकार भी है, उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, क्या कहेंगे? मैं रिजा साहिबा सबसे पहले आपको और यासिर साहब को अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। मौजू मैंने देखा, मैं जो है मैं बड़ा बेताब हुआ, मैंने कहा आप लोगों को टेलीफोन करूं। बात यह है कि मैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब की बात सुनना, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ इजाफा यहाँ करना चाहूंगा, वो ये है कि मैंने आज तक कभी किसी इस्लामी मुल्क के अंदर पाकिस्तान से यकजहती के लिए किसी जुलूस की फुटेज नहीं देखी। हमारे मुल्क के अंदर हर वक्त जो है शोर शराबा होता रहता है, कभी हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए पेट पे लेट जाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि 5 लाख रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कराची शहर में रहते हैं, जिन्हें हम बर्मीज कहते हैं। बुनियादी तौर पे अपने मुल्क के अंदर उनको कोई बर्मीज नहीं कहता, हम उनको बर्मीज कहते हैं, और उनके लिए जगह भी बनाई अपने मुल्क के अंदर, और बर्मा के अंदर जो तहरीक चल रही
ये आपको पता होगा कि जो लड़का चला रहा है वो कराची का लड़का है जी। अब ये कि मैं अब इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन उसकी पैदाइश कराची की है। फिर दुनिया भर के अंदर जहाँ पर भी आप देखें कोई मसला हो जाए पाकिस्तानी सड़कों पे निकल के सिग्नल तोड़ के यकजहती का इजहार। अरे भाई पहले ये बताओ मुझे, अभी हमें ये इन्होंने दहशत गर्दी की ग्रे लिस्ट में डाल दिया, कौन सा मुल्क निकला बाहर? हम अकेले लगे हुए हैं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ दी, सारी दुनिया का दर्द जो है वो हमारे दिल में पैदा हो गया। मुझे पता है फलस्तीन में कौन सा जुलूस निकला पाकिस्तान के हक में? हमने इतनी कुर्बानियां दी ये दहशत गर्दी के अंदर जंग के खिलाफ, कौन सा मुसलमान मुल्क हमारे लिए निकला? हमारे लिए किसी मुसलमान मुल्क ने आवाज नहीं उठाई। बात है बस ऐसे ही, हम कहो सूडान में भी कोई मसला हो रहा है तो जत्था शुरू और उसके बाद सड़कें बंद करो, चलो जी एक तमाशा शुरू। ईरान का मसला हो तो भी पाकिस्तान को दर्द हो रहा है, सीरिया का मसला हो, अरे भाई आप बताए पाकिस्तान के अंदर कितने बच्चे मेलन्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं? आज तक तो कभी किसी ने मदद नहीं की। वो परिंदे मारने के लिए तो यहाँ पर शिकार पे एयरबेस दे देते हैं हम उनको, और जना वो खुसूसी तौर पे आ रहे होते यासिर साहब ये उम्मा उम्मा करते आ रहे, उम्मा उम्मा गुडरुकू। अब हमें ये बंद करना पड़ेगा रिदा, क्योंकि बुनियादी तो मगरब के साथ नहीं। अली नासिर, अली नासिर सवाल एक आपसे ये, अली नासिर इस सिलसिले में पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक वाहिद वो मुल्क है इस्लामी ममालिक में जो एक एटमी कुव्वत है, और जब कहीं ना कहीं परेशानी में होता है तो पाकिस्तान ही उनको सपोर्ट करता है। अब इन सारी जिम्मेदारियों से आंखें तो बंद नहीं की जा सकती, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की भी तो जिम्मेदारी है, बहसियत मुसलमान ही हम पे जिम्मेदारी आयद होती है हमारे मजहब की तरफ से कि अगर हम किसी मुसलमान को परेशानी में दुख में तकलीफ में देखें तो आगे बढ़कर उसकी मदद करें, तो इखलाकी जिम्मेदारी भी तो हमारी कुछ बनती है। तो पाकिस्तानी में कौन से कोई लादिनियत या लादिनी लोग रहते हैं भाई? हम भी तो सारे मुसलमान हैं, हमारा ख्याल कौन करेगा? हमारे लिए किसी को परवाह नहीं। हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में क्या हालात है, वहाँ पे हम परेशान हो रहे हैं, रोहिंग्या भूखे मर रहे हैं। अरे भाई क्या पाकिस्तान में लोग भूखे नहीं मर रहे? कराची शहर से बाहर निकले मैं आपको दिखाऊंगा, ना पेट में रोटी है ना पैर में जूती है। ये मैं आपको यही ले जाता हूँ बाहर उठा, आगे जाके आप देखना। अली आप सही कह रहे हैं, हमने ये भी बात की, हम यही तो बात कर रहे हैं बेसिकली कि हमारे इंटरनली हमें इतना ज्यादा वैसे भी उलझा के रख दिया है इन मामलात में कि हम फिर बाहर की बात करते हुए हमारे साथ यही इश्यूज है कि हम कैसे बात करेंगे। बात तो ये भी हो रही है, आपको बताता हूँ हमारा कौमी मसला क्या है। अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा कि श्री देवी की शादी तबाही हुई, वो सॉरी श्री देवी का इंतकाल जो है वो तबाही तौर पर हुआ, नेचुरल डेथ हुई है अननेचुरल डेथ हुई है। अब बुनियादी मसले तो हमारे मुल्क के ये है, और आप मुझे बताएं इंटरनेशनली आप जाते दुनिया को क्या बताएंगे? ये पीर पीरनी के चक्कर से नहीं निकल रहा ये मुल्क जी। अब सारी दुनिया को मैं जाकर कन्विंस कर रहा हूँ कि साहब हम सारे दुनिया के मुसलमानों के मुआफिज हैं। अरे भाई आप पहले अपने अपमान तो देखें, मैं मगरब के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान में लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, मैं सस्ता वाला हसन निसार हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात है वो ये है कि हम लोग बहुत बेचैन है भाई। सारी दुनिया के अमाल ठीक करने के लिए निकले, अपने मुल्क के अमाल हमारे कहाँ ठीक है? आप बताएं मस्जिद के अंदर लोग जाने से घबराते हैं पाकिस्तान के अंदर? मैं और बात नहीं करता, लोग मुख्तलिफ मसालिक के मानने वाले हैं, लोग यहाँ मजार पे जाते हुए घबराते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, दुनिया जहाँ के मुसलमानों को तफोस देने के लिए यासिर साहब बुरा ना मानिए ना। आपके बात की जिम्मेदारी सबसे पहले ये है कि ये पहले जुमे की नमाज के लिए जो नमाज खड़ी होती है उसके लिए तो पहले मस्जिदों को तफोस दो, मस्जिदों को साफ करो, वुजू का पानी मुहैया करो, सारे दुनिया के मुसलमान जो है उनका ख्याल रखने के लिए बाहर निकले। आपको पता है मेरा ट्रिपल एम का रूल है, मुल्ला मुतहदा और मिलिट्री के मुताबिक कोई बात नहीं करता, इसलिए उनके काम में तो पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, ये तो देखो सही। बहुत शुक्रिया नासिर, बहुत शुक्रिया आपने एक तो हमारे वक्त निकाल के प्रोग्राम में को देखा भी और उसमें कॉल की, आपका बेहद शुक्रिया। कंटिन्यू करेंगे, मैं आपसे जवाब दूंगी, जज्बाती भी हो जाते हैं कुछ अली नासिर साहब, लेकिन ये मैं समझता ही हूँ कि ये मैंने तो आपसे पहले कहा था कि देखिए उसी बात को मैंने जरा वो उनको नौजवान आदमी ऐसा ही होना चाहिए था, अच्छा लगा मुझे बहुत, तो खुशी हुई कि ऐसे ख्याल आते। मैंने वही बात आपसे कही थी कि फॉरेन पॉलिसी कोई चीज नहीं है सिवाय इसके इंटरनल, आप इंटरनल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करें। मैंने उस तमाम उसका सिनेरियो आपके सामने पेश कर दिया था कि हम किस नतीजे, और वो जो सारे चीजें निकल रही हैं, जो उन्होंने जिक्र किया कि हमारे मसाइल हैं,
وہ اسی لیے ہے کہ وہ انٹرنل کمزوری ہماری. ٹھیک ہے, اچھا میرے صاحب اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں, بریک کا وقت ہو رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے. آج اس موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ شام کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر آج ہم نے پروگرام میں گفتگو کی ہے, اور ابھی گفتگو جاری ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ابھی کرنی ہے. آپ بھی اس پروگرام میں, اس گفتگو میں حصہ لے سکتے ہیں, اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. تو چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک مرتبہ پھر گڈ مارننگ کراچی. گڈ مارننگ صاحب, بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات ہو رہی ہے, اور بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کالرز ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. مختلف چینل پہ ہمارے دوست احباب جو پروگرامز کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, تو وہ بھی حصہ لے رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب اس وقت پارٹیسپیٹ کریں, موضوع ہی ایسا ہے. منور مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں, خواتین بھی خاص طور پہ اس پروگرام میں اس گفتگو کے اندر حصہ لے رہی ہیں, یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے. اچھی بات ہے کہ جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ خاص طور پہ اس موضوع کے اوپر اس گفتگو کے حوالے سے آج جو ہے وہ اپنی رائے ہمارے ساتھ. بالکل, لائیو کالر ہیں لاہور سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے سر, کیا کہیں گے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ نے جو شروع کی یہ بہت ہی اچھی ہے, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی 60-65% آبادی دیہات میں رہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ چینل جتنے ہیں یہ سارے سورہ آل حجرات پڑھے, قرآن مجید کی تو پتہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا کیا کیا الزام ہے, ان باتوں میں لگے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی, ٹھیک. جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان پہ جتنے بھی ہے, 60-70% آبادی کو اگنور کر کے فلاں مر گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں ادھر ہو گیا, فلاں ہم ادھر سے نکل ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. ایک بات, امت مسلمہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے باہر ایک بھی خبر نہیں ہوتی. بالکل, رات کو 9 بجے کا خبرنامہ آپ لگا لیں, اس میں جو انڈیا میں فلمیں بنتی ہیں 5-6 فلموں کی وہ تیار ہوگی, انہوں نے اتنا بزنس کمایا, یہ بزنس. یہ ہمارے مسائل. بالکل, بہت اچھے لوگ ان کو فلموں دیکھتے ہیں. بالکل, لکھنے کے پاس کیبل ہے. تو یہ 60-70% جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکمرانوں کے ساتھ ادھر عدالت میں جا رہے ہیں, ادھر میں جا رہے ہیں. یہ جو چیز ہے, یہ جو نواز شریف کرنا ہے, وہ صرف کسی کی گدی بھی چوری ہوگی تو وہ بھی اس کے نام لگا دی, دوسرے حاجی ہیں وہ نمازی ہے, یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں سارا قصور وار جو ہے نا, دوپہر کی اخباریں آئی تھی نا, تو ایسا لگتا تھا کہ وہ فلانا جب وہ شیرو چنگڑ نے نا ٹون ہو کر پولیس والوں کی دوڑ لگا دی. بالکل, یہاں خبریں تو ہیں اس طرح کی, دوپہر کے اخبار ہوتے تھے. اب جب بھی کسی نے ہائپر ہونا ہے, جیسے میں ہائپر ہو رہا ہوں, تو وہ یہ چینل دیکھ لے, تبصرے دیکھ لے, اینکر جن کو یہ بیوی گھر میں روٹی نہیں دیتی, جو چتر مار دیا وہ یہاں کے اینکر بن جاتے ہیں. اچھا ارشاد صاحب, ارشاد صاحب آپ مجھے بتائیے, آپ لاہور کے کس علاقے سے بات کر رہے ہیں؟ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک تو ہماری انٹرنل جو خبریں ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے, اور ان کے تجزیے صاف ستھرے ہوں, اور وہ لوگ اچھے اسکالر ٹائپ ہوں, نمبر ایک. ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہے کہ جو ہماری ذرائع ہے, انڈسٹری ہے, جو دیہات کے لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں, وہ شہروں کو کیوں آتے ہیں اور کیا کیا پرابلمس ہیں ان پہ بات کی جائے. ٹھیک ہے. اسی بات یہ ہے کہ بھائی قیامت کے زمانے کا قریب قریب ہے, امت مسلمہ جو ہے اس پہ وہ ایسا عذاب آیا ہوا ہے یورپ کی طرف سے, ویسٹرن کی طرف سے, کبھی کوئی خبر آتی نہیں ہے. ہندوستان ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, روز سیز فائر, یہ بتائیے, پروگرام میں وقت کم ہے, آپ ہمیں بتائیں آپ کون سے علاقے سے بات کر رہے ہیں لاہور کے؟ میں لاہور کے بھگوان پورہ کے علاقے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ لاہور کی صورتحال کیا ہے, وہاں پہ کچھ مسائل حل ہوئے ان 5 سال میں حکومت نے کام کیا؟ کام تو کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حکومت کام کرتی ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیے فرض کیا حکومت نے وہ ہماری گلیاں بنا دی تھی کہ سارا کچھ کر دیا, سیوریج بل میں فیس ہو جاتی ہے جی سیوریج کی, آج تک سیوریج وہ کرنے والا صاف کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کام یہاں ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب, گزارش یہ کہ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی, آپ اسی طرح پروگرام میں کال کرتے رہیے کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اس موضوع کے اوپر کل انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے گفتگو ہوگی, آپ ضرور پروگرام دیکھیں بھی اور اس میں کال بھی کریں, آپ جو ہے وہ تفصیل سے. منور مرزا صاحب, لاسٹلی آپ سے میں بہت شارٹلی دو سوالوں کا جواب دوں گی. ایک تو میرا وہی سوال جو تھا بیچ میں کنٹینٹ کے حوالے سے, کہ جس طرح 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے
कंटेंट था कि कानों को हाथ लगा ले बंदा, अगर कोई बाहर देख रहा होगा तो वो तो इमेज बिल्कुल ही पाकिस्तान का अजीब जा रहा होगा कि ये कैसे कि नाहल शख्स है वो, ये एक तो कंटेंट कैसे। दूसरा सवाल वेरी शॉर्टली वो यही कि जिस तरह से कॉलर ने हमारे, जिस तरह से बल्कि उन्होंने अली नासिर साहब ने हमारे कहा कि हमें मजबूत होने की जरूरत है, हमारे इश्यूज क्या है ये, और आपने कहा कि जी जब बाहर जाते हैं तो वहां पे भी तो इमेज दिखाना है ना कि किस तरह का है, वहां पे भी जाने की तैयारी होनी चाहिए, तो ये क्यों जरूर है, ये दोनों सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा डाइवर्सिफाइड ओपिनियन जो कि हम मकसद होता है वो सामने आ रहा है, और आपने देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं, और कई मामलों के अंदर खासे जज्बाती भी हैं, और मैं ये कहूंगा कि बड़े अच्छे तरीके से अपने ख्यालात को पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ माहिरीन से बेहतर तो ये लोग पेश कर रहे हैं, सही है पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक बात हमें रियलाइज करना चाहिए कि बिल्कुल कि हमें इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए, मीडिया की डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और मीडिया की डायरेक्शन का हाथ जो है तो जैसे कि आप खुद कॉलर्स कह रहे हैं कि उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो गैर जानबदार किस्म की राय रखें। तो मेरे ख्याल से वो जो एक वो जो बन गया है ना क्लिश, एक पूरा एक ग्रुप सा नजर आता है लोगों को, देखिए उससे वो लोग, मैं नहीं कह रहा ये बात, जी, 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 वो लोग परेशान है वो इंतजार की कैफियत, इसका मतलब वो डायरेक्शन देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं तमाम अपनी काबिलियतें और एहतराम के बावजूद। तीसरी बात ये है, एक बात आपको रियलाइज करना चाहिए पाकिस्तान को, जब ये कहते हैं ना कि हम एक तरफ तो हम ये कभी कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा हमें उधर नहीं जाना चाहिए एक्सटर्नल मामलात या इंटरनेशनल मामलात में, या गम नहीं करना चाहिए मुसलमान का, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं एग्री या डिसएग्री की मैं तो यकीन नहीं रखता, 1 करोड़ पाकिस्तानी दुनिया में आबाद है, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है तकरीबन आप समझ लीजिए बाहर 1 करोड़ मुख्तलिफ मुल्कों में रहता है, अमरीका से लेकर और यहाँ मिडिल ईस्ट तक अफ्रीका सब मिलाकर, ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो दिलचस्पी नहीं ले, आप उनको नहीं भूल सकते, आप भूल या अगर ये कोई मशवरा दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई साहिब मशवरा नहीं है, इस पर गौर करने की जरूरत है। अरबों डॉलर के हिसाब से हमने जर मुबादला उनसे हासिल किया है और अपने मुल्क को चलाया है, एक दूसरे ये कि जब आप दुनिया से समाया सी पैक जैसे मंसूबे हैं, आपको अपने डिफेंस के लिए आपको चीजों की जरूरत होती है, आपको अपने रोजगार के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको सेहत के लिए चाहिए, आपको अपने निजामों को सही करने के लिए, हर चीज को सही करने के लिए भी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी वो हासिल करनी होगी और बड़ी तेज रफ्तारी से हासिल करनी होगी, तो इसलिए आपको दिलचस्पी लेनी पड़ेगी दुनिया के मामला में नहीं रह सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना मामला छोड़ दें या अपनी मजबूती छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में देखें, करेक्ट तरीके, कोई ये नहीं कहता, देखिए ये तो अब आप कहा और मेरा कसूर है, हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अगर फलस्तीन में या दूसरी जगहों पर लोग सड़कों में नहीं निकल रहे हमारे मामला के अंदर, तो इसका मतलब मुझे मुलाकातें हुई है मेरी फलस्तीनियों से भी, बात मेरी मेरे साथी यहाँ पाकिस्तान के अंदर कलीग रहे हैं फलस्तीनी अरब कंट्रीज के, अफ्रीकन कंट्रीज के रहे हैं, बाहर अमेरिका में मुसलमानों उन्हें पाकिस्तान का बहुत गम है, ये जरूरी नहीं है कि उनका तरीकाकार यही हो जो हमारा तरीकाकार है कि हम हर मामले के अंदर सड़क के ऊपर निकल जाते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, धरने देना शुरू कर देते हैं, तो ये तो हमारा अपना स्टाइल है, इसमें इसमें कसूरवार हमें दूसरों को नहीं ठहराना चाहिए, हमें अपने रवैये भी दुरुस्त करना चाहिए जब तक कि हम खुद अपने आप को, तो हमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, सीरिया जैसे मामलात ऐसे नहीं है कि हम इनसे अलग थलग रह सकें, इनके आउटफॉल हमारे को पड़ते हैं, हमारे यहाँ भी इसके असरात खूनरेजी की शक्ल में भी जाहिर होते हैं, इंतशार की शक्ल में भी जाहिर होते हैं, तो हमारे को करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे, ये हमारे को विजन रखना पड़ेगा, और ये काम हमारे अहले दानिश का है कि वो इसको फोरस्टॉल करें, पहली बात है। मीडिया का काम ये है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, जितने मैं एग्री करता हूँ आपके कॉलर से, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हमें एक बैलेंस अब मेंटेन कर लेना चाहिए अपने तफसरों के अंदर भी, अपने टॉक शोज वगैरह के अंदर भी, अपने प्रोग्राम्स और खास तौर पे खबरों में क्या का जो हमारा कंटेंट है उसके ऊपर हमें असर नौ गौर करना चाहिए बहुत ज्यादा, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको उन लोगों से मशवरा लेना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज को खास तौर पे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना चाहिए, उनकी रिसर्च जो है वो पुराने जमाने की फरसूदा किस्म की रिसर्च पर जाने के बजाय, हमारा तालीमी निजाम बड़ा डिफेक्टिव है, सिर्फ मदरसों का ही नहीं यूनिवर्सिटीज का भी बड़ा डिफेक्टिव है, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गौर नहीं किया जा रहा है, हमें इन चीजों पर रिसर्च करना चाहिए कि आखिरकार हमारी खबरें का कॉन्टेंट क्या है, हमारे यहाँ खबरों के अंदर किस प्रोपोर्शन से हम किस उसको दे रहे हैं इंटरनेशनल, क्या हम अपने आप को उसमें शामिल करने में कामयाब हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने, अच्छा साथ हमें तरक्की भी लेनी है, साथ हमें अपनी बात दुनिया तक भी पहुंचानी है, हमें एक स्टेचर भी लेना है अपने लिए भी
मुसलमानों के लिए भी और ओवरऑल दुनिया के अंदर भी हमारे को ये को भी अपने एहसास है, हमें दूसरों का भी एहतराम करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा एहतराम करें, ये नहीं कि हम दूसरों का। और जहां तक बात हुई थी प्रोटेस्ट करने की, तो किए जाते हैं, अमेरिका भी हमने देखा पाकिस्तान के लिए किया गया, अब वो नेगेटिव किया या पॉजिटिव किया, जैसे वो बलूचिस्तान के बैनर लगे थे, तो अब वो दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन किए जाते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की आवाज भी नजर आती है और पाकिस्तान के लिए भी नारे बुलंद होते हैं। आज अब्दुल सत्तार इधी की जाते जाते बात कर ली जाए कि उनकी जो है वो पैदाइश का दिन जो है वो मनाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको ये बताएं कि अब्दुल सत्तार इधी जो है 28 फरवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बंटावा में पैदा हुए थे, और साथ ही साथ आपको बांटवा में पैदा हुए थे, और आपको ये भी बताएं कि खिदमत खल्क के से सरशार पाकिस्तान और दुनिया की जानी मानी हस्ती, जिन्होंने बेतहाशा पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ काम किया बल्कि इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लोग के लिए जो है वो बेतहाशा खिदमत अपनी सरंजाम दी। बिल्कुल जी, और इनकी खिदमत के हवाले से इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में जरूर गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ा तफसीली मौजू है, इंसानियत की खिदमत एक बड़ा अजीम मकाम है और उसके ऊपर बड़े अजीम मर्तबे के ऊपर फाइज हुए और बड़ी खिदमत उनकी रही है। फाउंडेशन के नाम से जी फाउंडेशन है जो कि जिसका उन्होंने बुनियाद रखी और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। एग्जैक्टली जी, और प्रोग्राम का इख्तिताम है जी वार्डरोब के हवाले से, आप जरूर बिल्कुल जी आज का वार्डरोब, और जिस तरह से आप जानते हैं कि सेलिटेक्स की नई कलेक्शन का लॉन्च हो गई है क्रिस्टीना नेशन वाइड जी, और ये सेलिटेक्स के बहुत अच्छे कपड़े हैं जी और हमें तो बहुत पसंद आई है ये। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आप जाके विजिट भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी, फेसबुक पे इंस्टा पे सफ इनका अकाउंट है, और इसके अलावा आप नेशन वाइड इनके आउटलेट्स पे जाके भी फिजिकली परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आज एक बड़े अहम मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू की और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से नशस्तें रहेंगी और आपके मसाइल के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, वो सिलसिला भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जारी रहेगा। प्रोग्राम में जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो तो शिरकत करते ही हैं, कराची से बाहर भी लोग अपने मसाइल के बारे में बताते हैं, और हमारी उनसे गुजारिश ये दरख्वास्त ये कि वो भी प्रोग्राम में देखें और अपने मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करें। ना सिर्फ कराची का प्रोग्राम है बल्कि पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को सराहे जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के हवाले से राय अपनी जो जरूर दीजिए, सोशल मीडिया पर आप हमारा पेज ज्वाइन कीजिए और उसके ऊपर आप प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय हमें भेज सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह एक नए मौजू एक नए मेहमान के साथ दोबारा इसी प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासर और दुमानी कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।